और ये सूर्य देव के दर्शन सुबह 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 कलेवा कर लेता हूँ राबड़ी का। ये है राबड़ी, तो ये है दूध राबड़ी का बढ़िया वाला कलेवा गाँव। तो अब मैंने दूध तो ले लिया, अब दूध राबड़ी बढ़िया मौज सुखा लियो मैं। जी जी बाजरे की रोटी कर रही है, जी जी लसड़ की दे रही है कि इसको सेक देता हूँ मैं। कौन फूली रोटी तो भाई, तेरा तो मंडिया है समझ गई ना, तू तो मंडिया है। रोटी दो काड़ू की दौड़ू की तो मंडिया है, तो का मंडिया है, तू भी खा ले काड़ू। तेरी काली काली आंखें लाना सुन डे। तो भाई आ गए कट्टो ही कट्टा में बैठे, माधोपुर जाऊँगा और माधोपुर से फिर जयपुर जाऊँगा मैं। माधोपुर स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ और ये मेरा कट्टा खड़ा है, इस कट्टे में बैठ के मैं माधोपुर स्टेशन पर आया। ये सवाई माधोपुर जंक्शन आ चुकी है मेरी रणथंभौर एक्सप्रेस और दुर्गापुरा स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, तो महेश नगर फाटक पर पहुँच चुका हूँ भाई। तो ये देखो सजावट हो रखी है इसकी दीपावली पहले से ही। तो भाई अब थोड़ी दूर 10-1 मिनट का और रास्ता है मेरे रूम पर पहुँचने का। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुकी है, कितनी तारीख हो चुकी है, आज 7 नवंबर और आज मैं जाऊँगा मेरे क्या सबका जयपुर, सब जयपुर में जाऊँगा। तो आज मेरा गाँव का लास्ट दिन है, बहुत दिन 22 तारीख से मैं जयपुर से आया था और 7 नवंबर को मैं जा रहा हूँ। तो गांव का भी सुबह सुबह उठा मैं, तो सुबह सुबह का माहौल बता देता हूँ गांव का। देखिए सुबह सुबह हमारी छोटी सी गाय पड़ी जीजी भैंस और कुछ लोग पानी भर रहे हैं यहाँ पे हमारी नड़की पे, और ये सूर्य देव के दर्शन सुबह सुबह, शाम को सुबह आपको दिख रहा होगा सूर्य देव के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। पार्थी लाल आ रहा है, आरती लाल आता हुआ धुआं होती हुई पानी भर रहे चारों तरफ पोपेदन महाराज, ये भैंस। तो अब छत पे चलता हूँ, जीजी और पार्वती छत पे बैठी हुई है क्या कर रही थी। सूर्य देव के दर्शन सुबह सुबह, गांव का माहौल और ये पूरा गांव का माहौल का व्यू। सुबह सुबह मैं खा लेता हूँ क्या, सुबह सुबह कलेवा कर लेता हूँ राबड़ी का, देखता हूँ चौकी चौकी है कि नहीं, नहीं तो नाक मरोड़ दूंगा। और ये हमारा क्या बात है, ये है हमारे तल कांकरिया लड्डू, तल कांकरिया का लड्डू, तल के बहुत अच्छे लगते हैं। और राबड़ी देखता हूँ छांट के लेता हूँ, थर वर खाता नहीं हूँ इसलिए। ये है राबड़ी, अब इसको दूध के साथ खाना पड़ेगा, दूध ले लेता हूँ राबड़ी में। मेरी चुचमा आंधी हो गई रे इसकी दुआ से। तो ये है दूध राबड़ी का बढ़िया वाला कलेवा गाँव का खाना देसी, और इसको खा के तो मज़ा ही आ जावे। तो ये दूध राबड़ी मैं तो खाता भी नहीं हूँ, बाजरे की राबड़ी है लेकिन कल बनाई थी जीजी ने, तो आज तो मैं खा लेता हूँ मन कर गया मेरा, क्योंकि मैं जयपुर भी जा रहा हूँ तो जाते जाते खा लेता हूँ। चलो खा लेता हूँ राबड़ी, अब आप भी खा सकते हो अगर आपके भी गाँव है तो गाँव में ज़रूर जाइएगा, गाँव का माहौल एक बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी स्वाद को लागे नमक कम लगाए बाजरा की रोटी कर रही है, और यह चूल्हा में धरी है रोटी तो, और यह हमारा चूल्हो, और ये पांसा दे दिया जी जी ने, और उन यहाँ बैठे हो पात लाल खा रही है। जी जी लसड़ की दे रही है, लसड़ की
पूरा ही उसने देते एक बार में बाजरा को सुनाकना। ये रोटी है बाजरा की, बढ़िया बढ़िया वाली डकोली था ही होने। अब जमाना ही चल गया, अब तो उनमें धरे है केसरो भी धरे डब्बा आवे तो भी डब्बा साख रापा दामान में दिल्ली गाँव में आशा गरम रहे पसीना आ जाओ उनमें गरम तो रहे पर पसी जावे खुद ही चीज ले एक केड़ा आ रही है इधर से, कबूतर उधर बैठे है और पांच सात सरकारी है। चूल्हा में कतरी आँच है, इतनी सारी आँच चूल्हा में कतरी मेरा और ये लोणियों घी, हमारो लोणियों घी तो चौको ला गई है। और अब एक रोटी सकने वाली जीजी की, इसको सेक देता हूँ मैं। ये रोटी सकने वाली अब फूल लगी जीजी फूल रही कौन है बदमाश रोटी खराब हो गया देखो चन्न को लाग रही फूल बाग हाथों से रोटी तो फूल रहेगा ढंग को कौन फूली तेरे नहीं फूलाई सुन नहीं है ढंग को हाथ ढंग का नहीं है हाथ ढंग का नहीं हाथ में हाथ दुख है ना हाथ भी तो कौन फूली रोटी तो भाई हमारी भाई भाई हमारी रोटी तो कौन फूली लेसर की लगे बढ़िया वो सुना हुआ है जब रोटी अच्छी हो और ये लोने की बड़े घी से चपाती जी जी रोटी एक डेढ़ महीने हुआ आज रोटी कमाई क्यों घी खाया क्या खाया पहले तो दुआड़ी कमारे में कब दुआड़ी मन जाओ दुआड़ी मन जाओ छोटी सी पड़ी एक ट्रेन पर दे दिया ना हमारी एक ट्रेन पर दुआड़ी मन जाओ दोड़ो रोटी खाओगे क्या है रोटी खाओगे क्या खाओगे रोटी ये फुपारी हो फुपारी हो ना तेरा तो मंडिया है समझ गई ना तू इले तेरा तो मंडिया है रोटी दो काड़ू की दौड़ो की तो मंडिया है काड़ू की रोटी है काड़ू की रोटी है दौड़ो का मंडिया है तू भी खा ले काड़ू ठारी माए की ना कौन खा गए तू भी ले तू भी खा ले मैं थोड़ा सा भेदभाव कर दियो केड़े को ज़्यादा खुआ देता हूँ मैं केड़े को थोड़ा सा ज़्यादा खिला दिया मैंने खा गई ना अब तो अकेले मुँह वाली खा लो वाली देख काली काली आंखें तेरी काली काली आंखें ये तो भाई अब मैं जा रहा हूँ हमारे स्टेशन पे, फिर वहाँ से सवाई माधोपुर से जयपुर जाऊँगा।
तो मैं पहुंच चुका हूँ भाई हमारे स्टेशन पे लाना सुंड गया किराए को नहीं सिग्नल मेरे को आगे चला आगे बैठो तो ये कट्टा आ चुका है हमारे स्टेशन पे और मैं बैठ चुका हूँ अंदर और मैं जा रहा हूँ सवाई माधोपुर। मैं माधोपुर स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ और ये मेरा कट्टा खड़ा है। इस कट्टे में बैठ के मैं माधोपुर स्टेशन पर आया था। इसका स्थानीय भाषा में नाम कट्टा है, तो इस ट्रेन का नाम कट्टा है। अभी आके रुका है यहाँ पे माधोपुर पे और अब जाना है मुझे रणथंभौर एक्सप्रेस से जयपुर। तो मैं इस झूले पे होके निकल जाता हूँ, पहले प्लेटफॉर्म पे आएगा शायद वो। तो चलिए चलते हैं, पहले पे आएगा वो मुझे लग रहा है, मोबाइल में तो पहला ही दिखा रहा है। तो पहले पे जाता हूँ मैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर एक की तरफ आ गया था बाहर की तरफ, क्योंकि टिकट है वो रेलवे ट्रैक के 100 मीटर के दायरे से अंदर कटता नहीं है। मोबाइल में यूटीएस से तो बाहर आ गया था। ये सवाई माधोपुर जंक्शन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारा सवाई माधोपुर प्यारा जंक्शन है। और ट्रेन को क्या एक पे दिखा रहा था तो मैं एक की साइड आ गया था, तीसरे प्लेटफॉर्म पर मेरा कट्टा आया था। तो चलिए देख भी लेता हूँ, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ कि इस पर आएगा या किसी और पर आएगा। तो इधर मैंने टिकट तो कटा ही लिया है, तो उधर टिकट कटते वहाँ जाने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगी मेरी ट्रेन कौन से पे आई, कन्फर्म कर लेता हूँ। ऐसे तो एक पे आते ही जाता मुझे याद है, लेकिन तो बहुत दिन हो गए मैं उससे इस पर ही से गए हुए। तो वही एक पे आएगी वो, इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली वो। और इस बार मैं मेरा सोनू मोनू के पास नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को क्या ये इस ट्रेन से चला जाऊँगा तो टाइम से पहुँच जाऊँगा। थोड़ा पीजी में रहता हूँ तो खाना वाना भी जल्दी बन जाता है, फिर ठंडा हो जाता है और सर्दी भी पड़ने लग गई। तो जयपुर बयाना से ज़्यादा था तो सोनू मोनू के पास जाता था मैं, फिर वो भी रोती है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस बार तो सीधा ही निकल रहा हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, वो ट्रेन आने वाली मेरी। तो चलिए चलते प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक जयपुर का। और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक उधर उतरता था वो कट्टा खड़ा है अभी तक तो तीन पे, लेकिन मैं इस बार भैया भाभी के रूम पे नहीं गया, क्योंकि मेरे को इससे निकल जाऊंगा ना 1:15-2:30 बजे निकलती है ट्रेन, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जयपुर। चलो ठीक है, तो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों आ चुकी है मेरी रणथंभौर एक्सप्रेस और जनरल डिब्बा है, तो उसमें तो पैर रखने की जगह मुश्किल से मिलने वाली मेरे को, तो तैयार रहते भाई, क्योंकि यहाँ पर दो डिब्बे तो आगे की तरफ है, तीन डिब्बे शायद पीछे है। तो मैं सोच रहा था आगे की तरफ कम भीड़ होगी, लेकिन यह भी ठीक ठाक हो चुकी है अब तो। चलिए आज आने देते हैं ट्रेन को। दुर्गापुरा स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ मैं। और ये दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मैं उतरता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा महेश नगर फाटक। तो ये आप देख सकते हो, ये दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है। ज़्यादातर जो भी आते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ही उतरते, क्योंकि महेश नगर के एरिया में रहते ज़्यादातर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर टेम्पो मिल जाता है यहाँ से, तो
अभी मैं स्टेशन से बाहर की तरफ रोड पे जा रहा हूँ, ये देखो अपर स्टेशन से, तो वहाँ से टेम्पो में बैठ कर फाटक तक, फाटक से फिर मेरे रूम पे चला जाऊँगा। तो महेश नगर फाटक तक पहुँच चुका हूँ और आखिरकार मैं 4:45 पर महेश नगर फाटक पर पहुँच चुका हूँ। अभी 15 मिनट में तो मेरे को ये टेम्पो मिला था नहीं, अब तक तो मैं रूम पर पहुँच जाता मेरे। तो ये देखो सजावट हो रखी है इसकी, दीपावली पहले से 80 फीट रोड है। तो ये जयपुर का एरिया भाई, अपना शुरू से ही 7 साल से मैं यही रहता आ रहा हूँ, अब रूम पे पहुँचने वाला हूँ। ऐसी सजावट हो रखी है 80 फीट की। महेश नगर, ये है महेश नगर। तो वही अब थोड़ी थोड़ी 10-1 मिनट का और रास्ता है मेरे रूम पे पहुंचने का। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। कबूतर।